उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज सभी कांग्रेसियों ने काफी संख्या में कोतवाली पर पहुंचकर किया कोतवाली का घेराव और जिला कांग्रेस कमेटी ने की एफआईआर की मांग, जिस पर आगे जानकारी देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनोद गुब्बर ने बताया कि भाजपा के किसी प्रतिनिधि ने हमारी राष्ट्रीय महासचिव नेता के ऊपर बहुत ज्यादा अभद्र टिप्पणी लिखी और भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी बहुत ज्यादा अभद्र टिप्पणी लिखी। मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील है कि सुबह उठकर अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को मुरादाबाद की जलेबियां खिलाया करें, उससे उनके मुंह की खटास निकल जाएगी। 2024 में पूर्णतः कांग्रेस की सरकार आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी आवाज से चिंगारी बहुत आगे तक जाएगी। अगर हमारी एफआईआर नहीं हुई तो ये सड़क हमारी है, नगर निगम की, तो हम यहां बैठ जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि फेसबुक आईडी के माध्यम से संजय मिश्रा फौजी जिंकू पंडित के नाम से आईडी चलवाने वाले व्यक्ति द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा एवं माननीय राहुल गांधी के विरुद्ध अशोभनीय एवं अभद्र भाषा में पोस्ट की गई, जिससे पार्टी की ही नहीं वरन जन सामान्य की भावनाएं भी आहत हुई है, जिससे कभी भी किसी भी प्रकार का जनमानस में असंतोष व्याप्त हो सकता है एवं समाज पर बुरा प्रभाव डालने वाली एवं वैमनस्यपूर्ण पोस्ट और महापुरुषों राजनेताओं की छवि धूमिल की गई, जिसका अभियोग पंजीकृत किया जाना चाहिए आवश्यक है। इसके पूर्व भी दिनांक 24/5/2023 को ही ऐसी पोस्ट भी डाली गई। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। तो भी कहीं ना ज्ञापन दिया गया है, एक भाजपा के किसी प्रतिनिधि ने हमारी राष्ट्रीय महासचिव, हमारी नेता के ऊपर बहुत गंदी ने बहुत ज़्यादा टिप्पणी करी है। यहाँ तक कि भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टिप्पणी कर दी, और इनके भी घर में माँ बहन बहू बेटियाँ बहुत सोच समझ के बोले। वैसे कहते हैं कि हमें मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं, पहले आप अपनी जवान पे कंट्रोल रखें, चला थोड़ा सा सुबह उठ के ना, मेरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील है, सुबह सुबह उठकर अपने नेता और कार्यकर्ता को ना मतलब मुरादाबाद की जलेबी खिलाया करें, मुझे ताकि उनके मुंह में खटास निकल जाए। 2024 बता रहा हूँ, 2024 में पूर्णता सरकार आएगी और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हमारे शहर के, हमारे जिले के अध्यक्ष ने जो यहाँ पर ज्ञापन दिया है, ये बधाई के पात्र हैं और ये आवाज़ है, ये आवाज़ हमारी, ये जो चिंगारी है, ये चिंगारी बहुत आगे तक जाएगी। तो क्या मानते हैं, एफआईआर होगी इसमें? एफआईआर नहीं होगी तो ये सड़क तो हमारी है ना, नगर निगम की है ना, यहाँ बैठेंगे, टैक्स देते हैं, यहाँ बैठेंगे, हाँ, इसमें क्या परेशानी है? अबे क्या परेशानी है मेरे भाई, अगर लिख के देंगे बहुत अच्छा, नहीं तो यहाँ बैठ जाएंगे।